Live 26. अब एंटरटेनमेंट कभी भी कहीं। मैम मुझे मूवी कुछ खास नहीं लगी। आई गेस अगर मैं रेट करूँगा तो इट विल बी लाइक 2 stars out of 5। इट वॉज डायरेक्टेड प्रोड्यूस एंड एवरीथिंग वॉज डन बाई कमल हसन। द फर्स्ट पार्ट एक्चुअली गेन्ड अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी मे बी बिकॉज ऑफ दैट द सेकेंड पार्ट केम इन, बट आई वॉज नॉट कन्विंस्ड, बी इट द VFX, बी इट द एक्शन, इट वॉज नॉट अप टू द मार्क। मैम कमल हसन लाइक ही इज 63 years old, सो ऑब्वियसली आई मीन he keeps on coming up with a lot of things, so obviously that is good, but still I felt that, you know, a lot more attention should have had been paid in order to make sure that the movie should have had been well. That was not the case. That's what I felt. So picture achhi nahi lagi. Mujhe aisa lagta hai ki badi mehnat lagti hai ek achhi story likhne mein, ek acha movie direct karne mein, jo ki kiya gaya, बट और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए टू पैकेज इट वेल, बिकॉज अगर आप बहुत कुछ करके कुछ चीज़ें छोड़ देते हो तो फिर कहीं ना कहीं ओवरऑल एक्सपीरियंस इज़ नॉट गुड। दैट्स व्हाट आई फेल्ट। सो चलेगी, आई गेस साउथ में चलेगी, बिकॉज यू नो देयर इज़ लॉट ऑफ फैन फॉलोइंग फॉर हिम, बट इफ़ यू टॉक अबाउट इन इंडियन सिनेमा आई डोंट थिंक सो दैट पीपल विल बी एबल टू ग्रिप अप, बिकॉज टुडे देर आर लाइक 3 more movies विच हैव बीन रिलीज्ड, ऑल 3 आर हॉलीवुड्स, and I'm sure people will like to watch more Jason Statham in comparison to this one. Yeah. So that's what I feel. Halanki isko shows bahut zyada mile hain, but I don't think so this is the kind of a movie ki main bahar niklunga aur main kisi se bolunga ki aap dekho ise, main nahi bolunga. Right. I guess out of 5 I'll give 1.5. That's what I will. Shuruaat mein do देखी आपने? हाँ देखी। आपने विश्व रूपम पहली वाली देखी? पहली भी देखी। पहली वाली से कैसी लगी आपको? पहली वाली के बराबर ही है, और म्यूज़िक के मामले में थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है, बाकी तो बराबर ही है, कोई दिक्कत नहीं है, और थोड़ी सी बीच बीच में कहीं से स्लो हो जाती है, वो भी म्यूज़िक की वजह से ही, BGM हाई नहीं हो पाता, या फिर हो सकता है हिंदी में इतना उठ के नहीं आया हो, हिंदी वाले में, तेलुगू में तमिल में ज़्यादा अच्छा हो, और बस म्यूज़िक कमज़ोर है पहली वाले से, बाकी तो सब कुछ बढ़िया है। डायलॉग्स वगैरह की बात करें? डायलॉग्स भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और इसके बाद में बस यही है, अंडरवाटर जो फाइटिंग सीक्वेंस है, जो अंडरवाटर फाइटिंग सीक्वेंस वो बहुत अच्छा है, अपने लिए नया है इंडियन मूवीज़ में। हाँ, इंडियन मूवीज़ में नई तरह से पहली बार इंट्रोड्यूस किया है, और कुछ ना कुछ वो कमल हसन की आदत है, कुछ ना कुछ वो हर बार नया इंट्रोड्यूस करते हैं हर मूवी में, चाहे कोई सी भी हो, कुछ ना कुछ तो वो। आपको लगता है ऑडियंस को थ्रिल मिलेगा इस पिक्चर को देख के? हाँ बिल्कुल मिलेगा। हाँ हाँ, अच्छी पिक्चर है। 5 में से कितने स्टार? और तभी मिलेगा जब उन्होंने पहला पार्ट देखा, नहीं तो वो आके बाहर पिक्चर की बुराई करेंगे, क्योंकि हाँ क्योंकि पहले पार्ट ही बहुत कुछ, पहला पार्ट से ही आगे कहानी बढ़ती है, जिसको पहला पार्ट ही नहीं पता वो कैसे करेगा कुछ भी उसमें रिलेट, क्योंकि बहुत सारे सीक्वेंस बार बार पीछे जाते हैं, वापस आते हैं, पीछे पहला पार्ट का हिस्सा आता है फिर वापस आता है, तो फिर कैसा हो पाएगा? तो फिर मतलब 5 में से कितने स्टार देंगे? 3.5। हाँ थैंक यू। विश्वरूपम पहली देखी आपने? विश्वरूप पहली देखी थी, विश्वरूप हिंदी में जो है, हिंदी उसका आप पार्ट टू देखा? सो पार्ट वन बहुत ही बढ़िया था, और पार्ट टू आप पूछ लीजिए कैसा है। पार्ट टू नहीं यार, बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया फिल्म में, बहुत ही बोरिंग है स्टोरी, यू नो क्या होता है कि क्या उसे कहते हैं, कभी पार्ट जो प्रीक्वल भी है सीक्वल भी है, तो स्टोरी वहाँ से भी कनेक्ट होती है, और यू नो नई चीज़ें भी डालने की कोशिश की है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कनेक्ट बिल्कुल भी नहीं हो पाती है, नॉट एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम इन द होल 2.5 hours। कहीं पे आपको थ्रिल नहीं मिला कोई? नहीं यार, बिल्कुल मज़ा नहीं आया, एक टाइम पे लगा था कि थ्रिल आएगा, इंटरवल से थोड़ा सा पहले एक टाइम है, सीन नहीं बताऊँगा क्या उसे कहते हैं, लेकिन लगा था कि थ्रिल आएगा, अब स्टोरी बढ़ेगी, लेकिन उस स्टोरी को भी वहीं पर अधूरा छोड़ दिया जाता है, सो मज़ा नहीं है। पॉट में बहुत ज़्यादा होल्स है, पॉट होल्स बहुत ही ज़्यादा है, लूप होल्स बहुत ज़्यादा है स्टोरी में। अच्छा, और अच्छा चलो एक्टिंग की बात करते हैं। हाँ, एक्टिंग कैसी लगी? कमल हसन सर की एक्टिंग तो बढ़िया ही है, इतने सालों से एक्टिंग कर रहे हैं, उनके एक्टिंग पे कमेंट करने वाले हम कोई नहीं होते, लेकिन वही है कि मतलब उनको परफॉर्मेंस देने का मौका ही नहीं मिल पाया, स्टोरी इतनी वीक है कि मौका ही नहीं मिल पाया कि कहाँ पर उनकी एक्टिंग उभर के आए, ऐसा कुछ सीन ही नहीं था, मज़ा ही नहीं आया। राहुल बोस यार बहुत ही छोटा सा रोल है, 20 मिनट्स का रोल होगा शायद मुश्किल से, वो भी सेकंड हाफ में ही है, तो बहुत ही ख़राब था, मज़ा नहीं आया, नॉट अप टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ पार्ट वन, मतलब कहीं भी नहीं। शेखर कपूर सर जितना है ठीक ठाक है, सही है, बढ़िया है। सर जस्ट बिकॉज ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ कमल हसन सर ओनली 2 stars। थैंक यू थैंक यू।